صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين हुजूर आए तो सिकुड़े आप रेनिश पा गई दुनिया अंधेरों से निकल के रोशनी में आ गई दुनिया बुझे चेहरों से जख्म उतरा सुते चेहरों के नूर आया हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया वाजिब सत्तकरीम मुहसिनीन मिल्लत उलमाए किराम लाए के सब तकरीन पुरा निज़ाम नहायत ही सआदत मंद सना खाने रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह और उसके आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नबूवत खत्मे नबूवत पर ईमान रखने वाले तौहीद व सुन्नत के अलमदारों सहाबा के गुलामों अहले बैत के हुक्मदारों आप सब लोग और हम अल्लाह के घर में जामे मस्जिद फारूकिया लोकवाना में दीन की निस्बत से इकट्ठे हुए हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत मुफ्ती गुलाम अब्बास साहब दामत बरकातुहुम आलिया और राणा मोहम्मद इस्माइल साहब उनके साथ साथ भाई गुलाम शब्बीर साहब भाई कैसर साहब भाई मोहम्मद मुमताज साहब को जजाय खैर नसीब फरमाए जिनकी पुरखलूस दावत के नतीजा में आपसे दीन की निस्बत से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ है भाई राणा फारूक साहब भाई बशीर साहब डॉक्टर जकाउल्ला साहब और आप जैसे तमाम मेहरबान आपका और हमारा जो रिश्ता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर है और मैं अपने रब पे मुतमिन हूँ उस रब ने आप जैसे मुखलिस दोस्तों के साथ हमारा ताल्लुक जोड़ा है अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कलमे की बरकतें दुनिया में भी आपको और मुझे नसीब फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कलमे की बरकतें आखिरत में भी आपको और मुझे नसीब फरमाए फजाइल आमाल में एक हदीस है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे दो बंदे जो दुनिया में महज अल्लाह की रजा के लिए एक दूसरे से ताल्लुक रखते थे कल कयामत वाले दिन जब अल्लाह के आर्श के साए के सिवा किसी चीज का साया ना होगा तो ऐसे बंदे जो अल्लाह की रजा के लिए एक दूसरे से ताल्लुक रखते थे अल्लाह उनको अपने अर्श का साया नसीब करवाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको हम सबको दुनिया की भलाइयां और इज्जतें नसीब फरमाए आज जब हम निकले हैं तो आगे हल्का शुरू होता है वहीं से हमें मौलाना मोहम्मद इरफान हैदरी साहब ने हमारे काशी सदर फौजी मोहम्मद रमजान खान दोनों साहब ने मौलाना मोहम्मद सईद साहब इन्होंने भाई मौलाना मोहम्मद यस्तानी साहब ने हमें वहां से लेकर हल्के के अंदर मुख्तलिफ जगहों के दोस्तों के सवाल से मुलाकातें करवाई हैं
अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने रब के जात के शुक्रगुजार हैं कि हर जगह पर हमें बहुत ही ज्यादा मोहब्बतों से नवाजा गया है। और इंशाअल्लाह अज़ीज अभी तो वक्त भी है और इस वक्त को हम कीमती बनाएंगे और ये मोहब्बतें इंशाअल्लाह बढ़ेंगी और इंशाअल्लाह अज़ीज इसका नतीजा भी हमें मिलेगा। सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सरवरे कौनैन सैयदी व मुर्शिदी हजरत मुहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मीनारे नूर बनाकर इस कायनात में भेजा। हुजूर का जिस्म भी नूर है, आका का जिस्म भी नूर है, हुजूर की जात भी नूर है, आका की हर बात नूर है। अब जरूरी तो नहीं कि हुजूर की नूरानियत को हमारी नजरों से देखा जाए, अल्लाह ने हुजूर के नूर को पूरी कायनात में मीनारे नूर बना के भेजे। आज मिंबर में वाइस तकरीर करता है तो ये हुजूर का नूर है, आज स्टेज पे मुकर्रर गुफ्तगू करता है तो ये हुजूर का नूर है, आज दरसगाह में मुदर्रिस तालीम देता है तो हुजूर का नूर है, आज एक बच्चा कुरान पढ़ने के लिए सुबह से शाम तक कुरान के सामने बैठा रहता है, हुजूर का नूर है, आज मस्जिदों में आजानें बुलंद हो रही है, ये हुजूर का नूर है, सच्चे रब की तरफ लोग मुतवज्जे हैं, ये हुजूर का नूर है, कब्रों को छोड़ के, शजरों को छोड़ के, हजरों को छोड़ के, दरियाओं को छोड़ के, नदी नालों से उम्मीदें तोड़ के, अगर हम एक रब के साथ ताल्लुक बना रहे हैं और उसी की इबादत कर रहे हैं तो ये भी नूर हुजूर का। हुजूर अलैहिस्सलाम का ये नूर हज़रत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह बोलड़ा शरीफ वाले, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि अंबिया औलिया अहले बैत नबी ताबईन सहाबा पे जब आ पड़ी, गिर के सजदे में सब ने यही अर्ज की, तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन सब का दाता है तू, सब को देता है तू, तेरे बिन सब का हाजत रवा कौन है। और आप और हम इस वक्त जो पूरे कदोकाट के साथ खड़े हैं, आप और हमें जो हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा किया गया है, आप और हमें जो कलमे की दौलत दी गई है, आप और हमें जो ईमान की बरकतें मिल रही हैं, आप और हमें जो अल्लाह के दीदार की आस लगी हुई है, आप और हमें जो जन्नत की उम्मीदें लगी हुई हैं, आप और हमें जो पूरा मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है, ये करम उस खुदा का है, नूर मुस्तफा का। तो किसने कहा हम नूर मुस्तफा के मुनकर हैं? अंदाज और अपना हम देखे ना, अगर हम अपनी मस्जिदों पे दफवाई करवाते हैं और उस पर लिखते हैं कि उस्मान जुन्नूर है, तो आप बताएं सैयदना उस्मान जुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दो नूरों वाला क्यों कहते हैं? क्योंकि हुजूर की दो शहजादियां एक बार भी मेरे हजरत उस्मान जुन्नूरैन के निकाह में। बेशक अब ईमान से बताओ, जो बंदा मस्जिद पे लिख रहा है जुन्नूरैन, जो बंदा मसाजिद का नाम लिख रहा है जामे मस्जिद जुन्नूरैन, जो बंदा तकरीरों में कह रहा है हजरत उस्मान जुन्नूरैन,
तो जो बंदा हुजूर की बेटियों को नूर मानता है, क्या हुजूर को नूर नहीं मानता होगा? हमने माने तो बस इतना नाम सुतुरेन रख रहे हैं, बात समझ आ रही? तो हुजूर अलैहिस्सलाम तस्लीम का नूर इस कायनात में तौहीद की सूरत में भी है, रिसालत की सूरत में भी है, इबादत की सूरत में भी है, रियाजत की सूरत में भी है, अमानत की सूरत में भी है, शराफत की सूरत में भी है, दयानत की सूरत में भी है, जुर्रत की सूरत में भी है, गैरत की सूरत में भी है, हया की सूरत में भी है, पाक दामनी की सूरत में भी है, शर्म की सूरत में भी है। आका का नूर इस कायनात में रोशनी ही रोशनी है। और आपको और हमें जो चेहरे हमारे सलामत है, जो नस्लें हमारी सलामत है, जो शक्लें हमारी सलामत है, जो माथे पे जुर्म नहीं लिखे जाते, जो घरों की चौखट पे हमारे गुनाहों की फरिश्त नहीं लगती, ये भी करम खुदा का है, नूर मुस्तफा का है। यहाँ भी बड़ी खूबसूरत बात की, आप और हम इस वक्त अल्लाह के घर में बैठे हैं, बेशक वो हमारे हर बात को जानते हैं, बेशक हमारे हर फिल्म से वाकिफ है, बेशक हमारी हर नेकी से भी वाकिफ है, हमारे हर गुनाह से भी वाकिफ है। लेकिन उसने फिर भी अपने घर के दरवाजे हम पे बंद तो नहीं रखे, अल्लाह उसने दरवाजे तो हम पे खुले ही रखे हैं ना, ये उसका करम है, बेशक। ऐ नसीर इसको तो फजले बारी समझ, ऐ नसीर इसको तो फजले बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन अल्लाह। ये जो कुछ भी है उस रब का करम है, हुजूर का सदका है। मरकज़े कायनात अल्लाह ने इस कायनात में हुजूर को बना के भेजे, रहमतों का मरकज हुजूर, बरकतों का मरकज हुजूर, फैजान का मरकज हुजूर, फयूज का मरकज हुजूर, रोशनी का मरकज हुजूर, खुशबू का मरकज हुजूर। मेरे पाक पैगंबर सरापे रोशनी बन के आए हैं कि मेरे पैगंबर का इसम भी रोशनी, मेरे पैगंबर का इसम भी रोशनी, मेरे पैगंबर की नजरें भी रोशनी, मेरे पैगंबर का चेहरा भी रोशनी, मेरे पैगंबर की जुल्फे भी रोशनी, मेरे पैगंबर का सीना भी रोशनी, मेरे पैगंबर की हथेली भी रोशनी, मेरे पैगंबर की विलादत भी रोशनी, मेरे पैगंबर का बचपन भी रोशनी, मेरे पैगंबर की जवानी भी रोशनी, मेरे पैगंबर की रिसालत भी रोशनी, मेरे पैगंबर की तबलीग भी रोशनी, मेरे पैगंबर का जिहाद भी रोशनी, मेरे पैगंबर की तकरीर भी रोशनी, मेरे पैगंबर का हज रोशनी, मेरे पैगंबर की नमाजें रोशनी, मेरे पैगंबर के अमल रोशनी, मेरे पैगंबर सराफ़े रोशनी है। तेरा अपने हुजूर को रोशन किनारा बना के भेजे, कायनात में आप जब भी बात तौहीद की चलेगी मेरे पैगंबर की रोशनी होगी, जब भी बात रिसालत की चलेगी मेरे पैगंबर की रोशनी होगी। अब हुजूर के बाद किसी और रोशनी का तसव्वुर नहीं है, रोशनी कोई होगी जिसको निस्बत मुस्तफा मिली। हुजूर पे आकर रोशनी मुकम्मल हो गई, बेशक हुजूर पे आकर नबूवत की इमारत मुकम्मल हो गई, हुजूर पे आकर इंसानियत की मेराज मुकम्मल हो गई, हुजूर पे आकर रोशनी और नूर मुकम्मल हो गए। कायनात का मरकज अल्लाह ने हुजूर की जात को बनाया, वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नगमगे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए दिलिया याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनके लिए मुस्तरिफ की वादी ये बदला, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा का रास्ता था। सुभान अल्लाह, हुजूर की जात बेशक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने हुजूर को बा कमाल भी बनाया, बेमिसाल भी बनाया, न हुजूर के कमालात जैसा कमाल किसी को मिला, न हुजूर जैसी
मिसाल कोई बन सकता है, ना हुजूर जैसा उरूज किसी को मिला, ना हुजूर जैसी बुलंदी किसी को मिली, ना हुजूर जैसी शान किसी को मिली, ना हुजूर जैसा मकाम किसी को मिला, ना हुजूर जैसा कोई बनाया, ना ताने बनाने का इरादा किया। अक्सर कहा करता हूं कि कोई किसी गलत फहमी में ना रहे कि आपसे मेरी भी दो है, आपसे हुजूर की भी दो है, खाना मैं भी खाता हूँ, खाना हुजूर ने भी खाया, पानी मैं भी पीता हूँ, पानी हुजूर ने भी पिया, मैं भी माँ के पेट से आया, हुजूर भी माँ के पेट से आए, मेरे भी बच्चे हैं, हुजूर के भी बच्चे हैं, जब मुझे भी पसीना आता है, हुजूर को भी पसीना आया, मुझे भी नींद आती है, हुजूर को भी नींद आई, जब इतनी बातें मुश्तरका है, मिलती जुलती है, तो हुजूर मेरे जैसे हो गए या मैं हुजूर के जैसा हो गया? नहीं, और अल्लाह की कसम नहीं, हुजूर के जैसा न अर्शियों में कोई है, न फर्शियों में कोई है, न अव्वलीन में कोई है, न आखिरीन में कोई है, आका के जैसा न इंसानों में कोई है, न फरिश्तों में कोई है, न नबियों में कोई है, न रसूलों में कोई है। हुजूर हर दौर में, हर जहान में, हर जगह पर, हर जमाने में बेमिसाल है, बेमिसाल रहे। और वो भी कैसे सकते हैं, मैं बात करूं तो बू आए, हुजूर बात करें खुशबू आए, मैं बात करूं मुंह से फूंक निकले, हुजूर बात करें मुंह से नूर की किरणें निकले, मैं बात करूं तो बात कहलाए, हुजूर बात फरमाए तो कुरान बन जाए, मैं चलूं तो लड़खड़ा जाऊं, हुजूर चले तो फरिश्ते आ जाए, मैं देखूं मुझे बात सामने भी नजर ना आए, हुजूर देखे जैसे सामने नजर आए वैसे पीछे भी नजर आए, मैं सो जाऊं दिल भी गाफिल आंख भी गाफिल, हुजूर आराम फरमाए, आंख तो बंद हो लेकिन दिल जागता रह जाए, मैं गलियों से दूर चला जाऊं, मेरे गुजरने के बावजूद भी किसी को शायद खबर हो या ना हो, लेकिन हुजूर गली से गुजर के चले भी जाए, बाद में गली के अंदर बिखरी हुई खुशबू हर आने वाले को बताए कि यहाँ से कुछ देर पहले आपड़ा के दूर यतीम गुजरे है, मैं उंगली का इशारा करूं शायद कौवा भी ना उठे, हुजूर उंगली का इशारा करे चांद सीना खोल के दो टुकड़ों में तकसीम हो जाए, मैं चलूं तो लड़खड़ा जाऊं, हुजूर चले तो साथ साथ दरख्तों को भी चलने का सलीका आ जाए, मैं चलूं तो नुकीले पत्थर मेरे पांव में लगे, हुजूर चले तो नुकीले पत्थर हुजूर के कदमों में रुई बन जाए, मैं आप रे सलात व तस्लीम की शान का कौन सा पहलू आपके सामने रखूं कि हुजूर रे सलात व तस्लीम की शान इतनी बुलंद, इतनी बुलंद, इतनी बुलंद है कि हुजूर के जैसा न नबियों की सब में कोई, न रसूलों की सब में कोई, न अर्श की मखलूक में कोई, न फर्श की मखलूक में कोई, न अव्वलीन में कोई, न आखिरीन में कोई, न रब ने बनाया है, न बनाने का इरादा किया है, और वो भी कैसे सकता है, मुझे पसीना आए दुनिया को नफरत आए, हुजूर को पसीना आए दुनिया शीशी में बंद करे बेटियों को दहेज दे। फिर खुशबू की जगह हम पसीना लगाया करते थे, कुछ लोग सहाबा में से हुजूर का पसीना खाने में शामिल करते थे, आप अलैहिस्सलाम के सहाबा हुजूर से इतना प्यार करते थे कि अगर आप अलैहिस्सलाम को वक्त तस्लीम वुजू फरमाते तो हुजूर के वुजू का पानी की जमीन पर नहीं गिरते देते थे, हाथों पे ले लेते थे, चेहरे पे मलते थे, सर पे जिस्म पे लगा दिया करते थे। अल्लाह ने हुजूर को बेमिसाल बाकमाल बना के भेजा, यह कहना अगर रोशन है तो हुजूर के सदके, हुजूर की वजह से, इस कायनात को अगर जिंदगी है अब तक मिली हुई तो हुजूर की वजह से, और जब तक हुजूर धरती के सीने में है रब इस कायनात को तबाह नहीं करेगा, इसका निजाम खत्म नहीं फरमाएगा। कुरान में अल्लाह का वादा है, अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहे हैं, ऐ मेरे लाडले पैगंबर, मैं इन लोगों को
कैसे आजाद हो, बहुत तफी हालांकि आप इनके दरमियान है, आप इनके अंदर मौजूद है और फिर मैं आजाद नाजिल करूं, अल्लाह पाक फरमाते मैं ऐसा नहीं करूं। अल्लाह ताला साहब बड़ी खूबसूरत बात कर गए कि हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए, कह रहा है आपका रब अंत की ही आपसे, क्यों मैं दूं इनको सजाए आपके होते हुए। सामी मोहतरम अल्लाह का शुक्र अदा करें अल्लाह ने आपको और मुझे हुजूर का उम्मती बनाया, और इस पर मजीद शुक्र अदा करें कि उम्मती बनाने के बाद अल्लाह ने आपको और मुझे मुसलमान बनाया, और मुसलमान भी अहले हक़ के साथ आपको जोड़ा है, अल्लाह का शुक्र अदा करें और हुजूर का एहतराम करने और कमाल एहतराम करने, रत्ती बराबर भी बेअदबी अगर दिल में भी आ गई तो अल्लाह पाक फरमाते हैं तुम्हारे सब का आमाल तबाह कर दिया, अब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, सारे आमाल सारे नेकियां सब तबाह हो जाएंगे अगर हुजूर की सदा बराबर भी बेअदबी जेल में भी आ गई, मुंह से करना तुम्हारे की बात। अल्लाह हुजूर के बारे में हमेशा अदब का पहलू इख्तियार करो, आप अलैहिस्सलाम के बारे में अदब का पहलू इख्तियार करो, अपना तो बड़ा साफ सा लग गया, बाद लोग ना खोखों पे बैठ के खेलों पे बैठ के कुत्ते पे बैठ के मुख्तलिफ जगहों पे हुजूर के बारे में बहस छेड़ देते हैं, हुजूर नूर थी, हुजूर बशर थी, हुजूर हाजिर थी, हुजूर गायब थी, भाई हम ये बहस क्यों करें, हुजूर कोई सियासी शख्सियत तो नहीं है, हुजूर कोई तारीखी शख्सियत तो नहीं है कि हम उन्हें मुतनाज़ा बनाए, अपना तो नजरिया ये है कि ऐ अल्लाह तूने हुजूर को जैसा बनाया है हम उन पर ईमान रखते हैं, नूर बनाया नूर पे ईमान, बशर बनाया बशर पे ईमान, हाजिर रखा हाजिर पे ईमान, गैब किया गैब पे ईमान, हम नबी की जात पर भी ईमान रखते हैं, नबी की बात पर भी ईमान रखते हैं, नबी के मौजज़ात पर भी ईमान रखते हैं, अपना नजरिया बड़ा साफ है, अल्लाह हम हुजूर को उतना मानते हैं जितना तू मनवा रहा था, जितना तू मनवाना चाहते हैं, और हुजूर को ऐसा मानते हैं जैसे तू मनवाना चाहते हैं, बात ये क्या कम है कि हम हुजूर की उम्मती हैं, ये क्या थोड़ी बात है कि हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाया गया है और आपने सलात व तस्लीम का दीन और कलमा नसीब हुआ, हुजूर का भी एहतराम आपका का अदब हुजूर की हद तक इनकार इताअत करने की कोशिश करें कि सहाबा को जो मकाम मिला इसी वजह से मिला, हुजूर अलैहिस्सलाम व तस्लीम दस इरशाद फरमा रहे थे तो फरमाया बैठ जाओ, एक सहाबी माहिर फिर रहा था उसके कानों में आवाज पहुंची वो वहीं बैठ गया, मौलवी लिखते हैं कि बकरियां चरा रहा था उसके कानों में आवाज पहुंची वो वहीं बैठ गया, दूसरा साहबी मस्जिद में दाखिल हो रहा था एक कदम चौखट के अंदर था एक कदम चौखट के बाहर वो वहीं बैठ गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपसे नहीं मैंने तो फला आदमी से कहा था बैठ जाओ, उसने कहा या रसूलल्लाह आपका हुक्म था बैठ जाओ, मैंने फिर तहकीक करना मुनासिब नहीं समझा कि किसके लिए, मैंने समझा मेरे लिए, मैं वहीं बैठ गया, अल्लाह मैं वहीं बैठ गया, बकरियों वाला वहीं पर बैठ गया, सहाबा ने कोई चौखट पे था तो वहीं बैठ गया, जो बकरियों के लेवल में था वो वहीं बैठ गया, और सुहाने हाथ से कहा कि दर्दमंदों से न पूछ कहां बैठ गए, तेरी महफिल में गनीमत है जहां बैठ गए, ये थोड़ी बात है कि हम हुजूर की उम्मती हैं, वीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह यहां पर भी खामोश नहीं रहे, उन्होंने फरमाया कि नूर और बशर हाजिर और नाजिर और गैब को छोड़, अल्लाह नूर और बशर हाजिर नाजिर और गैब को छोड़, ये भी क्या काम है वो सीने से लगा, सुभान अल्लाह इतनी बड़ी बात है जानू दो तो पति इससे बड़ी बेस ना करे, ऐसा ना हो कि बेस उपासे में
ہم سے کوئی بے ادبی کا جملہ نکل جائے اور ہماری ساری نیکیاں تباہ ہو جائیں۔ اللہ انتہائی محتاط گفتگو کرے حضور علیہ السلام کے بارے میں، اور بہت زیادہ اگر محبت آ رہی ہے تو حضور پہ درود و سلام پڑھے، بس اس سے اگلی بحث نہ کریں۔ میرا مشورہ ہے آپ کو، حضور کا احترام اور حضور کی ہر نسبت کا احترام، حضور کی ہر نسبت کا احترام کریں۔ حضور کو جو کتاب ملی وہ کتاب اعلیٰ، حضور کو جو دین ملا وہ دین اعلیٰ، حضور کو جو شہر ملے وہ شہر اعلیٰ، حضور کو جو خاندان ملا وہ خاندان اعلیٰ، حضور کو جو سسرال ملا وہ سسرال اعلیٰ، حضور کو جو داماد ملے حضور کے سارے داماد اعلیٰ، حضور کو جو زمانہ دیا گیا حضور کا زمانہ اعلیٰ، حضور کو جو جرانہ دیا گیا حضور کا جرانہ اعلیٰ، حضور کو جو گھرانہ دیا گیا حضور کا سارا جرانہ اعلیٰ۔ وہ چاہے ازواج کی صورت میں ہو، چاہے بناط کی صورت میں، چاہے اولاد کی صورت میں ہو، چاہے نواسے نواسیوں کی صورت میں، جو کچھ بھی حضور کو دیا گیا ہے بے مثال دیا گیا ہے، اور ہم پر فرض ہے کہ ہم حضور کی ہر نسبت کا احترام کریں، حضور کی ہر نسبت کا احترام کریں۔ وہ چاہے نبی کا یرانہ ہو، چاہے نبی کا گھرانہ ہو، اور جن کو نبی علیہ السلام نے ابھی تک اپنے سینے سے لگا کے اپنے روزے میں سلا رکھتا ہے وہ کوئی عام لوگ نہیں ہے، بے شک اللہ وہ عام لوگ نہیں ہے۔ حضرت امہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ سلامات اللہ علیہ، کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہو، جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا وہ عمر عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت اپنا عائشہ خاموش ہو گئی، حضور علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا عائشہ اور کچھ نہیں پوچھو گی؟ نہیں یا رسول اللہ، میں نے تو سمجھا تھا شاید میرے ابا جان ہو، شاید میرے ابا جان ہو، میں نے تو اس لیے پوچھا تھا کہ میرے ابا جان کی بات ہو۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تو نے کہا تھا ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں، تو میں نے کہہ دیا عمر کی ہے، اگر تو پوچھتی کہ امت میں ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں تو میں کہتا ابو بکر کی، ستاروں سے زیادہ نیکیاں عمر کی ہے، ساروں سے زیادہ نیکیاں ابو بکر کی ہیں۔ کیا خیال ہے، جن کو حضور علیہ السلام نے اپنے روزہ میں ابھی تک سلا رکھا کیا وہ حضور کے غیر ہیں؟ کیا وہ حضور کے بیگانے ہیں؟ کیا وہ حضور کے اہل بیت کے دشمن ہیں؟ وہ اب تک نبی کے روزہ میں ہے، اب تک رسول اللہ کے ساتھ ہے، اور ان کی قبروں کی ترتیب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا روزہ مبارک جہاں حضور کا سینہ وہاں ابو بکر کا سر ہے، اور جہاں ابو بکر کا سینہ وہاں عمر کا سر ہے، قبروں کی ترتیب یوں بنائی گئی ہے۔ ابھی تک جو سینے سے لگ کے سو رہے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم شک کریں؟ نہیں، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں۔ اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ، اپنی سوچ بالکل صاف ستھری ہے کہ نبی کا یرانہ بھی ہمارا ایمان ہے، نبی کا گھرانہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اس روایت کو لے کر آئے ہیں، فرماتے ہیں قیامت والے دن دین اسلام عمر کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا حشر کے میدان میں آئے گا، دین اسلام عمر کو تلاش کرتا ہوا حشر کے میدان میں آئے گا، اور جب حضرت عمر مل جائیں گے ان کو کندھے سے پکڑے گا اور اللہ کے عرش کے سامنے کھڑا کر کے کہے گا، اے اللہ میں ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا، چھپا ہوا تھا، تیرے اس بندے نے آ کر میرا اعلان کیا اور میرے لیے پوری زندگی لگا دی، اے اللہ عمر نے مجھے عزت دی ہے تو اس کو عزت دے۔ حضرت امام حسن اس حدیث کے راوی، ابھی حشر کا میدان ہوگا،
کہ فرشتے پروٹوکول کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر جنت کی طرف روانہ ہو جائے گی. حضور علیہ السلام کا جو یارانہ ہے ہم ان کو سلام عقیدت پیش کریں, کرتے ہیں نہیں کرتے, ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں, اور جو حضور کا گھرانہ ہے ہم ان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. جس علی کو حضور اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے اور بیٹی بھی فاطمہ تو زہرا ہو سلام اللہ علیہا, قیامت والے دن اعلان ہوگا یا اہل الجمع والحشر, اے حشر کے میدان میں اکٹھے ہونے والے لوگوں, نکسو رؤوسکم سر جھکا لو, غضوا ابصارکم نظریں میں جھکا لو, حتی تمر فاطمہ بنت محمد, جب تک نبی کی بیٹی فاطمہ گزر نہیں جاتی کسی کو بھی سر اٹھانے کی اجازت بھی نہیں, نظر اٹھانے کی اجازت بھی نہیں. جس علی کو حضور اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے, جس علی کو حضور اپنا پیر کہے, میں اس علی کو اپنا پیر کہتا ہوں. نہ کوئی زد, نہ کوئی ادا, نہ کوئی دشمنی, نہ کوئی عداوت, نہ کوئی بغاوت, نہ کوئی اور ریاکاری, نہ کوئی اداکاری, کچھ بھی نہیں. اپنا مرشد علی ہے, اپنا رہبر علی ہے, اپنا پیر علی ہے, نبی کا پیر علی ہے, اپنا مہتدا علی ہے, اپنا مبتدا علی ہے, اپنا رہنما علی ہے, اپنا مولا بھی علی ہے. نہ اگر مگر, مثلاً گویا چنانچہ, کچھ بھی نہیں. اپنا عقیدہ ہے نبی بھی میرا مولا ہے اور علی بھی میرا مولا. حضور نے جب کہہ دیا پھر اس میں سوچنا کہ جی فلاں بندہ بھی کہتا ہے تو ہم پھر اس کے ساتھ کیوں نہ مل جائیں. بھائی ہم نے تو حضرت علی سے محبت کرنی ہے نا, نبی نے جب کہہ دیا ہے تو اس کے بعد ہمیں دائیں بائیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. رقیبوں کے ڈر سے حبیب نہیں چھوڑے جاتے, یہ ضابطہ ہے, رقیبوں کے ڈر سے حبیب نہیں چھوڑے جاتے. حضرت علی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے, ہمارے ایمان کی بنیاد ہے, ایمان کی اساس ہے, ایمان کے ضامن ہے. یہ میں تھوڑی سی بات نہیں کہہ گیا, حضور فرما رہے ہیں اے علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق, جو تجھ سے پیار کرتا ہے مومن ہے, جو تجھ سے نفرت کرتا ہے منافق ہے. حضور فرما رہے ہیں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وار ایمان کے ضامن ہے. اللہ اور اللہ کے نبی نے جن جن ہستیوں کو جو عزت دی ہے ہم ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں, سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. اور جن کی آنکھوں پہ نبی کے بوسے, جو میرے پیغمبر کے لب چوسے, جو حضور کے سینے سے لگے, جو آقا کی گود میں کھیلیں, جو حضور کے کندھوں کی سواریاں کریں, جنہیں آتا دیکھ کے حضور ممبر چھوڑ دیں استقبال کریں, جنہیں حضور چومیں فشمہ کر سونگے, جن کی رگوں میں میرے پیغمبر کا مقدس خون دوڑتا ہے, ہم حسن حسین کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. وہ جنتی جوانوں کے بادشاہ ہیں, جنت کے مالک ہیں, ہم ان کے غلام اور کمی ہیں اور اس بات پر فخر کرتے ہیں, اس بات پر فخر کرتے ہیں. اپنا نظریہ بڑا صاف ہے کہ سنبھال کے رکھو یہ جو فرقے تمہارے ہیں, عمر بھی ہمارے ہیں, حسین بھی ہمارے ہیں. ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں یہ ہستیاں جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی چادر کی چھاؤں دی, وہ بھی ہمارا ایمان ہے. جنہیں حضور نے اپنے روزہ کی چھاؤں دی, وہ بھی ہمارا ایمان ہے. سامعین محترم, یہ ذہن رکھنا کہ کربلا کا جو واقعہ ہے یہ کوئی قصہ نہیں ہے کہ جسے سن لیا سنا دیا بس بات ختم. کربلا کا جو واقعہ ہے یہ کوئی کہانی نہیں ہے, کربلا کا جو واقعہ یہ کوئی مرثیہ بھی نہیں کہ بولنے والے نے پڑھ دیا, سننے والے نے دو آنسو پھینک دیے, بات ختم. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی, بات تب شروع ہوئی ہے کہ حسین نے نانا کا روزہ کیوں چھوڑا, کیا مجبوری تھی یہ بتاؤ. حسین جنت کا بادشاہ ہے یا نہیں؟
है या नहीं? जन्नत का मालिक है, जन्नत का बादशाह है, अल्लाह ने हुजूर के सदके जन्नत दी है उनको, वो जन्नत का बादशाह है। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या हुसैन जन्नत का बादशाह करबला की वजह से बना? क्या ख्याल है कि करबला ना होता तो फिर हुसैन जन्नत का बादशाह ना होता? करबला की वजह से हुसैन को इज्जत नहीं मिली, करबला को इज्जत मिली है हुसैन की वजह से। ये मत समझो कि करबला में ही हुसैन है सब कुछ, करबला में हुसैन नहीं, करबला हुसैन में है। ये बात समझने की कोशिश करें, हुसैन की पूरी जिंदगी सिर्फ करबला नहीं, हुसैन की जिंदगी के चंद दिन का नाम करबला है, और जिसके चंद दिन इतने बुलंद है उसकी पूरी जिंदगी कितनी बुलंद होगी। बात समझने की, जिसके चंद दिन इतने बुलंद है उस हुसैन की पूरी जिंदगी कितनी बुलंद होगी। ये तो जुल्म हुआ हम जैसे लोगों की तरफ से, ये तो जुल्म हुआ खतीबों की जानिब से, ये तो जुल्म हुआ मुकर्ररीन की जानिब से कि हमने हुसैन की जिंदगी को शुरू ही करबला से किया है। हम भूल गए वो जिंदगी जब हुसैन नाना की गोद में खेलते थे, हम भूल गए वो जिंदगी जब हुसैन की वजह से नबी ने सजदा लंबा किया, हम भूल गए वो जिंदगी जब हुजूर फरमा रहे थे हुसैन तो मिली बाना मिलन हुसैन, हुसैन मेरा है मैं हुसैन का हूं। हम भूल गए उस जिंदगी को जब हुसैन मां की गोद में कारिये कुरान बना था, हम भूल गए हुसैन की उस जिंदगी को जब हुसैन एक एक रात में कुरान पाक खत्म कर लिया करते थे, हम भूल गए हुसैन की उस जिंदगी को जब हुसैन सखावत करते थे तो हाजताई की सखावत भी पीछे रह जाया करती थी, हम भूल गए हुसैन की उस जिंदगी को कि जब हुसैन बोलता था तो सदाकत पैदा होती थी, हम भूल गए हुसैन की उस जिंदगी को कि जो जिंदगी नबी के रंग में रंगी हुई है, जो जिंदगी नबी की सीरत का अक्स है, जो जिंदगी नबी की सूरत का अक्स है, जो जिंदगी नबी के खून का अक्स है, जो जिंदगी नबी की तहारत का अक्स है, जो जिंदगी नबी की पाकीज़गी की अलामत है, जो जिंदगी नबी अलैहिस्सलाम और तस्लीम की सीरत और सूरत का मुरक्कब है। हमने समझा शायद हुसैन करबला की वजह से है, अल्लाह की ऐसी बात नहीं, करबला हुसैन की वजह से है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, उस वक्त हसन और हुसैन बिल्कुल बचपन में थे, तो जन्नत की बादशाही तो बचपन में मिल चुकी है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, हुसैन करबला ना भी जाते हुसैन फिर भी जन्नत के बादशाह थे। हुसैन अली अकबर अली असगर कुर्बान ना भी करते फिर भी जन्नत के बादशाह थे। हुसैन करबला की तरफ एक कदम भी ना चलते फिर भी जन्नत के बादशाह थे। फिर वो कौन सी मजबूरी है जो हुसैन को नाना का रोजा छुड़वा के करबला तक लेके आई? क्या करबला की नमाज मस्जिद नबवी की नमाज से ज्यादा है? मस्जिद नबवी में पढ़ी जाने वाली नमाज का मुकाबला क्या करबला कर सकता है? फिर हुसैन ने मस्जिद नबवी की नमाज छोड़ी करबला क्यों गए? कभी सोचा? हम जाते हैं ना हरमैन शरीफ, हम लालच करते हैं, करना भी चाहिए कि यहां एक नमाज पढ़ेंगे तो एक लाख नमाज का सवाब मिलेगा, और उधर जाकर एक नमाज पढ़ेंगे तो खतीब कहते हैं कि 50,000 का मिलेगा। वैसे रिवायत तो वहां पर जो है 1,000 की लिखी हुई है, तो लालच तो हम करते हैं ना कि वहां जाकर ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़े, ज्यादा से ज्यादा सवाब मिले। तो हुसैन ने ज्यादा सवाब वाली नमाज छोड़ी, करबला में जाकर नमाज पढ़ी, वजह क्या थी? कभी सोचा? उठते हैं बाजू कहते हैं यजीद ऐसा यजीद ऐसा, कभी अपना गौर किया?
मैं कहता हूं उस यजीद के खिलाफ मुद्दई हुसैन है, हुसैन जावे, उसका मुल्ज़िम जावे, हुसैन जावे, हुसैन का रब जावे, हुसैन जावे, हुसैन का दादा जावे, हशर के दिन फैसला होगा, हशर के दिन पता चल जाएगा, उस यजीद से खुदा खुद निपट लेगा। तुम अपने अंदर का यजीद मारो। नहीं समझे, इस अंदर में जो तुमसे चोरियां करवाता है, पूरे माहौल की बात कर रहा हूं, ये तुम्हारा जमीर भी कहीं यजीद तो नहीं बन गया जो तुम्हें जालिम के साथ खड़ा करता है? ये तुम्हारा जमीर भी कहीं यजीद तो नहीं बन गया जो तुम्हें नशा सिखाता है, जो तुमसे चोरियां करवाता है, जो तुमसे डकैतियां करवाता है, जो तुमसे जुल्म का साथ दिलवाता है, जो तुम्हें यतीमों के बारे में सोचने नहीं देता, जो तुम्हें बेवाओं के बारे में सोचने नहीं देता, जो तुम्हें मजलूमों के बारे में सोचने नहीं देता, उस यजीद को खुदा जाने, हुसैन जाने, हुसैन का नामना हशर के मैदान में अपनी निगरानी में उसके नामे अमाल का फैसला करवा लेगा। तुम अपने जमीन की बात करो कि तुम्हारा जमीन क्या हुसैन की राह पर है या हुसैन के दुश्मनों की राह पर है। उधर की बात तो फैसला है ना, जिनकी आंखें दुनिया में ना खुली आंख आखिरत में खुल जाएगी, पता चल जाएगा कि कर्बला में जीता कौन था, हारा कौन, हशर के दिन होगा मालूम जीता कौन और हारा कौन, वो तो उधर पता चल जाए। लेकिन तुम तो देखो कल, हमें हमने भी तो सामना कर ले। अगर हुसैन सलामुल्लाह अलैह ने फरमा दिया कि ये मेरे वाले नहीं है, फिर हम नामे अमाल हमारा पेश हो, हमारे नामे अमाल में शराब हो, हमारे नामे अमाल में चोरियां हो, हमारे नामे अमाल में भंग हो, हमारे नामे अमाल में चर्स हो, हमारे नामे अमाल में कब्जे हो, हमारे नामे अमाल के अंदर जिना हो, हमारे नामे अमाल के अंदर बदकारियां हो, हमारे नामे अमाल के अंदर बुराइयां हो, हमारे नामे अमाल के अंदर फाशियां हो, और ये सारा नामे अमाल जब खुला खड़ा हो और हुसैन देखे तो वो कहेंगे मेरे नहीं, मेरे नहीं। हुसैन जितना खुद बुलंद है, हुसैन के फैसले भी उतने ही बुलंद है। मुझे कल दो दिन पहले मैं चकवाल गया हूं, एक मजे की बात आपकी समातों की नजर करता हूं। चकवाल में हमारे बड़े प्यारे बुजुर्ग थे काजी मजहर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा काम किया उन्होंने ना शान साहबा पर और शान अहले बैत पर, शान अहले बैत पे बहुत काम किया काजी मजहर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, दिफाए साहबा पर भी बड़ा काम था। वहां पर एक डीपीओ था, उसका नाम था हसन। एक तौहीन हुई, तौहीन के हवाले से काजी मजहर साहब जो थे ये वहाँ पर पहुँचे, इन्होंने कहा उसको कि पर्चा दो, तौहीन हुई है साहब इकराम की। तो उसने आगे से कहा कि ऐसा करते हैं कि कुछ पर्चे इधर से छोड़ देते हैं, कुछ इधर से छोड़ देते हैं, मुआशरे में माहौल में कोई अमन की बात चलाते हैं। काजी मजहर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, उनका बात यह है कि तू है हसन और मैं हुसैन हूँ, सुलह की बातें तूने करनी है, मैं जंग से पीछे नहीं हटूंगा। नहीं समझे क्या, मैं हुसैन हूं तू हसन है ना, तुझसे होती है तो सुलह करवा ले, नहीं तो हुसैन जंग से पीछे लड़ जाएगा। और हुसैन लड़ गया, हुसैन आज सदियां गुजरने के बाद मिंबर पर, मेहराब पर, गली में, बाजार में, चौक में, चौराहे में हुसैन की लड़ाई आज तक जारी है, हुसैन की लड़ाई आज तक जारी है। कौन कहता है कर्बला में हुसैन ही हार गए थे, हुसैन की जंग खत्म ही नहीं हुई, जब जंग खत्म होगी फिर पता चलेगा जीता कौन और हारा कौन। हुसैनियत की जंग जारी है और हमने हुसैन की राहों पे चल रहे हैं सलामुल्लाह अलैह, हमने हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की राहों पे चल रहे हैं। वो अमल कीजिए जिन अमलों की अहले बैत तरवीज और इशात के लिए नाना का रोजा छोड़ के कर्बला की तरफ निकले, तख्त के लिए नहीं निकले, तख्त के लिए नहीं निकले, हुकूमत के लिए नहीं निकले। हुकूमत जिनके पास जन्नत की बादशाही हो, उन्होंने दुनिया की हुकूमत को क्या करना है,
جن کو اللہ نے نبی علیہ السلام کی نسبتوں سے نوازا، انہیں کیا ضرورت دنیا کی؟ وہ اس کے لیے نہیں نکلے، حکومت کے لیے نہیں نکلے، ان کا نکلنا اسلام کی اشاعت کے لیے تھا، ان کا نکلنا اسلام کی بلندی کے لیے تھا، اور ان کا نکلنا اسلامی مملکت کے قیام اور استحکام کے لیے تھا۔ اور اس تقریر کے توسط سے یہ بھی کہتا جاؤں، اپنے نوجوان کو کہنا چاہتا ہوں، پاکستان آپ کو اور ہمیں جمہوری قوتوں نے نہیں لے کر دیا کہ آپ کسی سیاسی لیڈر کی بنیاد پر پاکستان کے اداروں کے خلاف لکھنا شروع کر دیں، کسی سیاسی جماعت، کسی بھی سیاسی جماعت کی بات کر رہا ہوں، ادھر تو ایک سیاسی جماعت کی دل آزاری ہوتی ہے تو وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے کی ہوتی ہے تو وہ لکھنا، میں کسی بھی ہر جماعت کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی جماعت ہو، ہمارا موقف ایک ہی ہے کہ ہم اس ملک اور اس ریاست کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک یہ ریاست ہماری ہے، اس کے ادارے ہمارے ہیں۔ اور اپنے نوجوان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را آپ پاک فوج کے حوالے سے اپنی زبانیں بند رکھا کریں، ان کے اوپر ادارے ہیں، وہ خود چیک اینڈ بیلنس کر لیں گے۔ آپ فیس بک پر، سوشل میڈیا پر آپ جو گفتگو کرتے ہیں اداروں کے خلاف، پاک فوج کے خلاف، آپ کی یہ گفتگو پاکستان کے خلاف جاتی ہے، یہ کسی پارٹی کے خلاف جاتی برداشت تھی، کسی ایک شخصیت کے خلاف جاتی برداشت تھی، لیکن پاکستان کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہ کیا کرے۔ ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، ریاست کے اعتبار سے سب سے پہلے پاکستان ہے۔ ہم یہی وطن ہے جس سے فصلیں اگتی ہیں ہم کھاتے ہیں، یہی وطن ہے مرنے کے بعد جو ہمیں قبر کے لیے جگہ دیتا ہے۔ تو پھر ہم نے اس وطن کے ساتھ ہر دور میں مخلص رہنا ہے، آپ جس بھی سیاسی پارٹی میں رہے، لیکن کم از کم ریاست اور ریاستی اداروں کے حوالے سے اپنا موقف ہمیشہ مثبت رکھا کریں۔ یہ ضمن بات آ گئی۔ خیر، بات کر رہا تھا کہ حسین ذیشان ہے، حسین ذیشان ہے، اپنے موقف کو دیکھیں اور دیکھیں کہ حسین نے کربلا کا انتخاب کیوں کیا۔ ماز اس لیے کہ کسی ظالم کی حکومت کو ہم برداشت، میرے جملوں پہ غور کرنا، کسی ظالم کی حکومت کو ہم برداشت، کسی جابر کی حکومت کو ہم برداشت، کسی نا اہل بندے کی حکومت کو ہم برداشت، وہ بندہ جو ملک کی سلطنت کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یا اس کے عمل ایسے ہو کہ اس کی وجہ سے ملک خراب ہوگا، اس کو حسین برداشت نہیں کر رہے تھے، اس لیے اس کے خلاف نکلے۔ حکومت حاصل کرنا مقصد نہ تھا، مقصد اسلامی ریاست کو مستحکم کرنا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ کو اور ہمیں بھی یہ حسینی عمل دیکھنا ہوگا، کرنا ہوگا کہ آپ اور میں نے جب ہمیں موقع ملے تو ہم نے فیصلہ میرٹ پہ کرنا ہے۔ بس یہی پیغام ہے آپ کے۔ لوگ آئے بیٹھے ہوتے ہیں میرے پاس، مولانا صاحب فون کر دیجئے کہ ہمیں میرٹ مل جائے، بس بھائی آپ کی سفارش کرنی ہے، سپورٹ کر، بس اتنی سپورٹ کر دیں ہمیں میرٹ مل جائے۔ تو کبھی کبھی میں ہنس کے کہہ دیتا ہوں، جب 5 سال بعد اللہ نے تمہیں موقع دیا تھا کہ تم میرٹ پر فیصلہ کرو تو تم نے میرٹ پہ کیا تھا؟ 5 سال بعد جب اللہ نے مور تمہارے ہاتھ میں دی تھی کہ جاؤ اندر جا کر اکیلے مور لگاؤ، کیا تم نے ضمیر سے پوچھا تھا، حالات واقعات پوچھے تھے کہ میاں جس کو اوپر مور لگا رہا ہوں وہ اس لائق بھی ہے یا نہیں؟ کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ 1970 سے لے کے اب تک ہماری سڑکیں کیسی ہیں، نوجوان کس طرح بے روزگار پھر رہا ہے، اور مسلسل ہمارا استحصال ہو رہا ہے، پورا پنجاب ترقی کر رہا ہے، جنگ آج بھی وہی ہے جیسے 1970 میں تھا، کیا اس کے بعد بھی آپ کو پتہ نہیں کہ میرٹ پہ کون ہے؟ تو پھر کیوں حسینیت کے نعرے لگاتے ہو؟ کس بات کے نعرے لگا رہے ہو؟ ہر دور کے یزید کی محفل میں بیٹھ کر دیتے ہیں لوگ گالیاں گزرے یزید کو۔ اپنا کنسپٹ، اپنا نظریہ کلیئر کیجئے۔ اور اپنے نوجوان سے یہ کہنا چاہوں گا، اپنے نوجوان دوست سے، کہ آپ مقامی طور پر چیک اینڈ بیلنس کریں، عمران خان صاحب ہو یا نواز شریف صاحب ہو، ان کو چھوڑیں، وہ اپر لیول کے سیاست، آپ مقامی طور پر دیکھیں کہ اس علاقہ میں کون سا بندہ ہے جو اس شہر کی اور اس علاقہ کی ترقی چاہتا ہے، بس اتنی سی بات۔
अब बात होती इमरान खान ना खुद खमदा ना क्या खावड़ देता जी ता सानू ग्रांटा नहीं मिली। अल्लाह के बंदो लइए में काम हुआ, मियाँ वाली में काम हुआ, तोबा में काम हुआ और दीगर शहरों में काम हुआ, उसी इमरान खान के दौर में हुआ तो तुम्हारे पास क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब है तुम करवा नहीं सके काम। अपनी ना अहली किसी और के ऊपर ना थोपिए। तुमने हमें मजलूम रखा, तुमने हमारा इस्तेहसाल किया। और जब मैं बात करता कहते जी मस्जिद च बैठ के सियासत करेंदा तो मैं मुजरे करवा के करूं, मेले लगवा के करूं, दंगल बुलवाऊ वहां पर बात करूं, अपनी तो बा मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, हमने तो मस्जिद में ज्ञान है। मैं खाक नशी हूं, मेरी जागीर मुसल्ला, जो जिस जागीर का मालिक उसने अपनी जागीर पे बात करना होती है। मिंबर मस्जिद मेहराब अल्लाह ने मेरे जिम्मे दिए, मैं यहां से आवाज बुलंद कर रहा हूं कि जंग के नौजवानों को उनका हक मिलना चाहिए, जंग की सड़कें तामीर होनी चाहिए, जंग में तरक्की होनी चाहिए, खुशहाली आनी चाहिए। और इस हवाले से आपको और हमें मेहनत करना होगी। अपर लेवल की सियासत को छोड़े, यहाँ पर अगर अपर लेवल के सियासतदान आकर मुकाबला करते, हम उनको देख के फैसला करते। यहाँ जो मुकाबला कर रहे हैं, मैं अपने नौजवानों की ज़हनी आबियारी कर रहा हूँ कि हम उनको देख कर देखेंगे। और उस एतबार से जब आपने मेरिट पर फैसला किया तो आपको भी इंशाल्लाह थाना कचहरी रेवन्यू हर महकमे में मेरिट मिलेगा, आपके साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें पक्का सच्चा हुसैनी बनाए। सैयदना इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पे चलने वाली जिंदगी अल्लाह आपको हमें नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मस्जिद की इंतजामिया को, इस जलसे के बानियान को, तमाम शुरका को मेरे समेत दुनिया की इज्जतें भी नसीब फरमाए और आखरत की इज्जतें भी नसीब फरमाए। आँखों का नूर दिल की चाहत हुसैन है, इस्लाम की शनाखत गैरत हुसैन है, हूरों कसूर जन्नत में है दिल पजीर, लेकिन सरदार शबाब जन्नत मौला हुसैन है। दुनिया में इहतराम के लायक हैं जितने लोग, उन मोहतरम नफूस में शामिल हुसैन है। जिसने जुबान चूसी महबूबे की बिरिया की, वो खुश नसीब कामिल मुर्शद हुसैन है। कातिल हुसैन पर है लानत खुदा की आज तक, और मेरी जुबा पे आज भी वाह वाह हुसैन है। काफिर मरे जो करता हो नफरत हुसैन से, आसिफ मेरा तो मजहब।